नमस्ते, हम शिष्या स्कूल में 10वीं कक्षा पढ़ने वाले छात्र हैं। हम आप सबको लेखक श्रीमन प्रेमचंद के बारे में और उनके द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब के बारे में बताने जा रहे हैं। बढ़ते हैं लेखक के परिचय की ओर। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम दनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से काम किया। निजी व्यवहार और पत्राचार से दनपत राय से ही करते थे। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसे प्रमुख पत्रकारों का संपादन भी किया। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने और अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ना बाद में शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2 या 3 साल में करते, क्योंकि वे कक्षा में पास नहीं होता। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। इस कारण लेखक की निगरानी रखना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वे किताब पर चित्र बनाया करते या एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते, उन्हें बड़े भाई के रुद्र रूप का दर्शन पाना पड़ता। उनके भाई डांटते हुए कहते हैं कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए दिन रात आंख फोड़ते हुए खून जलाना पड़ता है, तब जाकर समझ आती है। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए थे और लेखक कक्षा में प्रथम आ जाता है। अब उन दोनों में केवल 2 साल का ही अंतर था। छोटे भाई का मन कर रहा था कि वे बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले, पर बड़े भाई की दुखी देखकर उसे हमदर्दी होने लगी। तब से बड़े भाई साहब का छोटे भाई पर रोग कम हो गया, क्योंकि वे फेल हो गए थे। अब से छोटे भाई पूरे दिन खेलने लग गया। एक दिन लेखक सारा समय खेल में बितार कर लौटे, तब बड़े भाई बोले, देख रहा हूँ कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में प्रथम भी आ गए हो, तो तुम्हें घमंड हो गई है। घमंड तो बड़े बड़े का काटा है, तुम क्या चीज हो। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और कुछ बहुत सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेलकूद में वो रामिल रहते हैं। अगले साल परिश्रम में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने बहुत परिश्रम किया और लेखक ने ज्यादा नहीं, इसके कारण लेखक को अपने भाई पर दया हो गया। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और लेखक भी रोने लगे। पास होने का खुशी आधी हो गया। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है, वे पास हो जाते हैं। अब उन्होंने लेखक का डांटना बंद कर दिया। लेखक सोचते हैं कि वह पढ़े या ना पढ़े, वे पास हो जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक के हॉस्टल से दूर कनको लुटने के लिए दो जा रहे थे, तभी उनके मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। वे लेखक के हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोल कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमान में 8वीं
पास कर नायब तहसीलदार हो जाते। कई लीडर और समाचार पत्र संपादक भी आठवीं पास है, परंतु तुम इस महत्व नहीं देते। उन्हें लेखक का तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरे तरबूज तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुम्हें समझना के अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाए, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भाग जा रहे थे। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी शिक्षाप्रद है। इस कहानी में लेखक ने समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास किया है। कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को संभालते हैं और साथ ही अपने भाई के प्रति जिम्मेदारियों भी निभाते हैं। इंसान चाहे कितने भी किताब पढ़ ले, किंतु जिंदगी का असल ज्ञान अनुभव से ही मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इसीलिए नहीं कि वे हमसे बड़े, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है।